मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। मुस्लिम सोसाइटी में भी बहुत सारी प्रकार की बुराइयां थी और इनको दूर करने के लिए कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने इनिशिएटिव लिए। नवाब अब्दुल लतीफ फाउंडेड द मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कैलकटा इन 1863। नवाब अब्दुल लतीफ ने मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की कैलकटा में 1863 में। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स एंड ऑल्सो वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जिसने मुस्लिम्स में एजुकेशन के प्रचार प्रसार में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई और हिंदू मुस्लिम एकता को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश की। एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है मुस्लिम रिफॉर्मर्स में सर सैयद अहमद खान का, जिन्होंने मुस्लिम्स के लिए मॉडर्न एजुकेशन की वकालत की और ही ट्राइड टू रिमूव द सिस्टम ऑफ पॉलीगेमी एंड डिपेंडेंस ऑन फेट। सर सैयद अहमद खान ने जो बदलाव किए उसके लिए उनको मुस्लिम का विरोध भी झेलना पड़ा, बट ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रिंग द इंग्लिश एंड मुस्लिम्स क्लोजर। इन्होंने बहुत प्रयास किए ताकि इंग्लिश और मुस्लिम्स और ज़्यादा नज़दीक आ सकें, उनके संबंध अच्छे हो सके। इन 1864 ही फाउंडेड अ ट्रांसलेशन कमिटी। 1864 में इन्होंने एक ट्रांसलेशन कमिटी का गठन किया। वो कमेटी साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स को और इंग्लिश बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट करती थी। 1877 में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की, जहां पर साइंस और आर्ट की शिक्षा दी जाती थी इंग्लिश मीडियम में। द इंग्लिश पीपल ऑल्सो कोऑपरेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज। ब्रिटिश लोगों ने भी कॉलेज के डेवलपमेंट में सहायता की और टीचर्स भी बुलवाते थे वो लोग इंग्लैंड से, जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। यही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया और इस सारे प्रोसेस को हम जानते हैं अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से। सर सैयद अहमद खान चैंपियन द कॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बट लेटर ऑन ही हिमसेल्फ केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी बहुत सारे काम किए, लेकिन बाद में ये खुद ब्रिटिशर से काफी प्रभावित हो गए थे। ही सेड दैट स्लेवरी वॉज अगेंस्ट इस्लाम एंड एम्फसाइज द नीड ऑफ कुरानिक स्टडी। ही प्रोपेगेटेड हिज व्यूज बिफोर द सोसाइटी थ्रू तहजीब उल अखलाक उर्दू जर्नल। एक न्यूज़पेपर इन्होंने लॉन्च किया जिससे अपने विचार आम जनता के साथ शेयर करते थे, जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक। रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ पारसीज एंड सिक्स। रिफॉर्म मूवमेंट एमिंग एट इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स। समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए जो रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे उनसे सारी कम्युनिटीज के लोग जुड़ गए। 1851 में पारसी समुदाय के लोगों ने एक रिलीजियस रिफॉर्म यूनियन का गठन किया, जिसका उद्देश्य था पारसी सोसाइटी की सोशल कंडीशंस में सुधार करना। दादा भाई नौरोजी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। वर अमंग द पायनियर्स ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ पारसी कम्युनिटी। दादा भाई नौरोजी ने बहुत काम किया पारसी समुदाय के लिए और उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया जिसका नाम था रस्त गुफ्तार। इन्होंने एजुकेशन खास करके गर्ल्स एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। वेस्टर्न एजुकेशन और रिफॉर्म मूवमेंट से प्रभावित होकर सिख समुदाय के लोगों ने भी अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी में चेंजेस लाने के काफी प्रयास किए। शुरुआत में जो गुरुद्वारा होते थे वो गुरुद्वारा महंत के अंडर में होते थे और जो गुरुद्वारे का जो महंत होता था वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझता था। एक मूवमेंट इसके लिए चलाया गया जो स्टार्ट किया था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल ने, जिसमें ये मांग रखी गई थी कि गुरुद्वारा जो है वो सिख समुदाय के प्रतिनिधियों को सौंपा जाना चाहिए। ये मूवमेंट काफी शांतिपूर्ण ढंग से किया गया था, इसलिए लोगों को इसका काफी सहयोग मिला।
और इसका प्रभाव भी उनके पक्ष में हुआ। 1925 में एक कानून बना जिसमें गुरुद्वारा मैनेजमेंट का पूरा अधिकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे दिया गया। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन इंडियन सोसाइटी, ये जितने भी समाज सुधार के प्रयास इन सारे लोगों ने किए उसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर। मॉडर्न एजुकेशन, साइंस और लिटरेचर के प्रति लोगों की रुचि बढ़ गई। कॉलेजेस और स्कूल्स की संख्या भारत में इंक्रीज हुई। वेमेन कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट हुआ। सती मैरिज, पर्दा सिस्टम, ऐसी कुछ बुराइयां दूर हुई। लोग वेदों की तरफ दोबारा लौटे और इन सारे समाज सुधार के कार्यक्रमों से भारत में एक नई जागरूकता आई। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस। थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स अवर रिफॉर्मर्स इंटरप्रेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड लेड इम्फेसिस ऑन द नॉलेज ऑफ वेदास एंड दिस अवेकेंड न्यू अवेयरनेस टूवर्ड्स द कल्चर ऑफ इंडिया। इन समाज सुधार के जो भी मूवमेंट थे उनसे सभी समाज सुधारकों ने आम जन को भारतीय संस्कृति का महत्व बताया और वेदों के नॉलेज की तरफ दोबारा लौटने को कहा और एक नई जागरूकता उन्होंने लोगों में पैदा की भारतीय संस्कृति के प्रति। इन दिस सेंचुरी वेद, पुराण एंड भगवद गीता एंड मेनी संस्कृत बुक्स वर ट्रांसलेटेड इन मेनी लैंग्वेजेस। इस सेंचुरी में वेद, पुराण, भगवद गीता जो कि पहले संस्कृत में होती थी उसको दूसरे लैंग्वेज में काफी ज्यादा ट्रांसलेट किया गया ताकि कॉमन मैन, आम आदमी भी उसको समझ सके। लिटरेचर एंड आर्ट, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी लिटरेचर इन एवरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बिगैन टू डेवलप। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में लिटरेचर डेवलप होना स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में। अर्लियर मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स ड्रीव देयर थीम्स फ्रॉम रिलीजन बट नाउ ह्यूमनिस्टिक टॉपिक्स केम अप एज थीम्स इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री फॉर्म्स। पहले जो लिटरेचर था, जो साहित्य था, वो धर्म से काफी प्रभावित होता था लेकिन अब मानवता के मूल्यों के साथ कविताएं भी लिखी जाने लगी। न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी राइटिंग सच एज नॉवेल्स लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, छोटी कथाएं, शॉर्ट स्टोरी लिखना स्टार्ट किया, ड्रामा ऐसे भी लिखना शुरू किए गए इस सदी में। द थीम्स ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स इन दीज न्यू फॉर्म्स एंड इन पोएट्री वर बेसिकली ह्यूमनिस्टिक विच वर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स। ये सभी साहित्य की जो अलग अलग विधाएं थी, नॉवेल लिखना, उपन्यास, कहानी, शॉर्ट स्टोरी, पोएट्री यानी कविता, ये सभी मानवीय मूल्यों पर आधारित थी और सीधे आम जन की जिंदगी से जुड़ी हुई थी और उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई थी। लिटरेचर बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोटिंग पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल फीलिंग। साहित्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट साधन बन गया जिससे हम देशभक्ति की भावना लोगों में जगा सकते थे। द रीजनल लिटरेचर प्रमोटेड रिफॉर्मेटिव आइडियाज एंड रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। इन साहित्य के माध्यम से लोगों ने अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाई। सम ऑफ द ग्रेट राइटर्स वर, कुछ महान लेखकों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, गुरजादा अप्पा राव इन तेलुगु, हरि नारायण आप्टे मराठी में, कुमार आसन मलयालम में, फकीर मोहन सेनापति उड़िया में, सुब्रमण्यम भारती तमिल में, नेमचंद्र बरुआ असमिया भाषा में, मोहम्मद इकबाल उर्दू में, के वेंकटप्पा गौड़ा कुटप्पा कन्नड़ में। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन अवेकनिंग कल्चरल एंड सोशल फीलिंग्स बाय देयर राइटिंग्स। इन लोगों ने लोगों को जागरूक किया कि सोशल फीलिंग्स को जागरूक किया अपने लेख से। द मोस्ट फेमस अचीवमेंट ऑफ लिटरेरी वर्ल्ड वॉज द वंदे मातरम कंपोज बाय ग्रेट बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड जनगण मन अधिनायक पेंड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। दीज सॉन्ग्स वर एक्सेप्टेड एज नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। साहित्य
का सबसे बड़ा योगदान हम कह सकते हैं कि वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, वो हमारा नेशनल सॉन्ग बना। और जन गण मन अधिनायक, जो कि स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, वो हमारा नेशनल एंथम बना। इकबाल ने एक बहुत लोकप्रिय गाने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। In 1913, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज कन्फर्ड विद नोबेल प्राइज फॉर इज लिटरेरी वर्क गीतांजलि। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके द्वारा लिखी गई गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर एंड अदर आर्टिस्ट ट्राइड टू रिवाइव द क्लासिकल इंडियन ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग में भी इन लोगों ने काफी काम किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पेंटिंग में भी बहुत काम किया। बंगाली स्टाइल की पेंटिंग को इन्होंने सबके सामने रखा। राजा रवि वर्मा पेंटेड लेजेंड्स फ्रॉम इंडियन एपिक्स एंड मिथ्स। राजा रवि वर्मा ने जो पेंटिंग्स की वो इंडियन एपिक्स से प्रेरित थी। डेवलपमेंट ऑफ साइंस। महेंद्रनाथ सरकार वॉज द फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट इन इंडिया एंड ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस इन 1876। महेंद्रनाथ सरकार हमारे यहाँ के पहले मेडिकल स्टूडेंट थे और उन्होंने ही द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की स्थापना 1876 में की। दिस बिकेम द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। इससे साइंस के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली। इन द 20th सेंचुरी इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वॉज सेटअप। 20th सेंचुरी में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसमें हमारे सारे देश के जो साइंटिस्ट थे वो एक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से जुड़े। इन फिजिक्स चंद्रशेखर वेंकट रमन। स्टैटिस्टिक्स में प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस, श्रीनिवास रामानुजन। मैथ्स में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिए। द प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज एम विश्वेश्वरैया। 1861 से 1962 ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे यहाँ के मुख्य साइंटिस्ट थे एम विश्वेश्वरैया, हु डिड कमेंडेबल वर्क इन द एरिया ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जिन्होंने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज विजिबल इन बिल्डिंग ऑफ डैम्स, डेवलपमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड प्रमोशन ऑफ सेरिकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका योगदान हम देख सकते हैं डैम्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह में। पीसी राय, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, डीएन वाडिया, बीरबल साहनी, ये हमारे यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य साइंटिस्ट्स में से एक हैं जिन्होंने काफी योगदान दिया साइंस के फील्ड में। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। द प्रेस प्लेड वाइटल रोल इन कन्वेइंग द आइडियाज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स टू द पीपल। अर्लियर द प्रेस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड जर्नल्स वर अंडर द ब्रिटिश डोमिनेंस, बट इन द 19th सेंचुरी द रिफॉर्मर्स थॉट टू यूज प्रेस एज अ स्ट्रॉन्ग मीडियम टू कन्वे द फीलिंग्स ऑफ सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स एंड नेशनलाइजेशन टू द पीपल, सो दे स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर ओन मैगजीन एंड जर्नल्स। पहले जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और जर्नल्स आते थे वो ब्रिटिश के डोमिनेंस में रहते थे, लेकिन बाद में अपने लोगों ने खुद ने अपने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, जर्नल्स वगैरह निकालने स्टार्ट किए, ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ाई जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। मैनी एडिटर्स वर जेल्ड बाय ब्रिटिश। इसमें कई एडिटर्स को जेल भी जाना पड़ा, ब्रिटिशर्स ने उनको जेल में रखा, क्योंकि इन लोगों ने न्यूज़पेपर्स के इस्तेमाल से लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था। भारतीयों की डिमांड्स बढ़ने लगी थी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स वर, कुछ मुख्य अखबारों के नाम हैं द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका,
द केसरी, मराठा, स्वदेश मित्र, प्रभाकर, इंदु प्रकाश एक्सेट्रा। द पॉजिटिव एंड वाइटल रोल प्लेड बाय द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। प्रेस के इस पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट रोल से ही हमारे यहाँ के लोग जागरूक हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ, जो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ।